जितने भी लड़के आर्मी की भर्ती देखते हैं, चाहे लड़कियां आर्मी की भर्ती देखती हैं, उनके लिए नया नोटिस आ चुका है। अगर इस नोटिस को आप नहीं देखते हैं, इस नोटिस के बारे में आपको नहीं जानकारी है, तो सेना भर्ती में से आपको बीच में से निकाल दिया जाएगा और कारण आपको ये नोटिस दिखा दी जाएगी। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो उस गलती को ठीक कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ कि सेना भर्ती देखने का सही तरीका क्या है और ये नोटिस आपको क्यों जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीच में आपको भर्ती से बाहर निकालना दिया जाए, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चाहे ओटीपी वेरिफिकेशन में, चाहे आपका फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको डिस्पैच ना किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। आर्मी का ये ऑफिशियल नोटिस आर्मी के साइट पे ले चलूंगा, आर्मी के साइट पे दिखाऊंगा। और हाँ, ये एमएम नरवन है, आर्मी के जनरल, इन्हीं के द्वारा ये नोटिस जारी हुई है, तो इस नोटिस का मतलब भी समझाऊंगा। इस नोटिस का मतलब क्या है सभी लड़कों के लिए, सभी लड़कियों के लिए। 90% ये नोटिस सिर्फ लड़कों के लिए है, जितने भी लड़के आर्मी की भर्ती खासतौर से जीडी की देखते हैं या ट्रेडमैन की या क्लर्क या टेक्नीशियन की, और 10% ये नोटिस लड़कियों के लिए है जो मिलिट्री पुलिस की भर्ती देखते हैं या अन्य एमएनएस वगैरह कोई भी पोस्ट की भर्ती देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस नोटिस के बारे में बताऊंगा ताकि इसके बारे में आपको मालूम हो कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फटाक से हम आ गए इंडियन आर्मी साइट पे। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट एक ही होती है, कोई नहीं होती है, सिवाय ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की होती है। इसका लोगो ये होता है, कोने में आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट होती है। और यहाँ पे हम नोटिस एंट्री यानी नोटिस बोर्ड पे आ चुके हैं। नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एप्लीकेशन। आप यदि आर्मी के साथ फ्रॉड या धोखा करते हैं, किस प्रकार का ये फ्रॉड है, किस प्रकार का धोखा है, तो आपको सेना भर्ती से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, कारण क्या होना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ, और ऐसा कई लड़कों के साथ हो भी चुका है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपके साथ हो, ताकि आपको हर टाइम सही जानकारी मिलती रहे, इसलिए ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को मैं हिंदी में शुद्ध भाषा में बताता रहता हूँ। तो चलिए नोटिस पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। नोटिस पे यहाँ एप्लीकेशन है ना, डुप्लीकेट एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, और मेरी सामने नोटिस डाउनलोड होके ये खुल चुकी है। यहाँ पे मेरे सामने नोटिस डाउनलोड होके खुल चुकी है। ठीक है, इस नोटिस का मतलब क्या है, इस नोटिस को मैं हिंदी में समझाता हूँ। और उससे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप भी नए हैं, हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको दबा लीजिए ताकि आर्मी की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी जानकारी आपको मिलती रहे, चाहे वो महिला भर्ती हो, चाहे वो लड़कों की भर्ती हो, चाहे टटोरियल आर्मी भर्ती हो, चाहे जनरल रैली हो, कोई भी रैली हो, जानकारी मिल जाती है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम बताते हैं आपको इस नोटिस का मतलब है क्या सभी लड़के लड़कियों के लिए। इस नोटिस में यही लिखा है, जो भी अनाउंसमेंट हुई है आर्मी की तरफ से, इस नोटिस में ये लिखा है डुप्लीकेट एप्लीकेशन। ठीक, कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट फिलिंग अप मोर देन वन एप्लीकेशन आर आफ्टर क्रिएटिंग मोर देन वन प्रोफाइल बाय इन कॉम्प्रोमेटिंग माइनर चेंजेस ऑन द बेसिक डिटेल लाइक फादर नेम, मदर नेम, चेंजिंग अल्फाबेट और सिक्वेंस इन ओन नेम, ठीक है, ETC फॉर एनी एंट्री, मतलब JCO एंट्री हो चाहे ऑफिसर एंट्री हो, किसी भी एंट्री के लिए, विल बी कैंसल एज ए वैन कैंडिडेट ड्यूरिंग द सेलेक्शन प्रोसेस। इस नोटिस को जाके तुम आर्मी की साइट पे देख सकते हो, अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो, लेकिन मैं जो बताता हूँ हकीकत बताता हूँ, 100% नहीं, 110% आर्मी की साइट से सारी जानकारी दी जाती है। और जो भी जनरल वगैरह नोटिस जारी करते हैं या न्यूज़ में, पेपर में जो भी ऑफिशियल निकालते हैं, वो बताया जाता है। चलिए इसकी हिंदी में आपको समझा देता हूँ क्या है। इसका मतलब यही है, जितने भी लड़के आर्मी की भर्ती देखते हैं या जितनी भी लड़कियां आर्मी की भर्ती देखते हैं, यदि वो 2 से 3, 3 से 4 बार रजिस्ट्रेशन करते हैं नाम बदल के या डेट ऑफ बर्थ बदल के, तो उनको दिक्कत होगी। उनको दिक्कत कहाँ होगी, उनको दिक्कत ये होगी कि उनका एप्लीकेशन कैंसिल भी किया जा सकता है, उनका एडमिट कार्ड नहीं भी इशू किया जा सकता है, या उनको लास्ट में वेरिफिकेशन के समय भगा भी दिया जा सकता है। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल में तो मैंने हाल ही में एक लड़के के मुंह से सुना है कि उसका ऐसा हो गया था, लेकिन वहां पे उसने कुछ पैसे देकर अपना काम करवा लिया। ठीक है, तो पैसे देकर काम हो जाता है, अगर आप पैसे वाली पार्टी हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे वाली पार्टी नहीं है तो अपना डॉक्यूमेंट सही रखिए, जो डॉक्यूमेंट पे नाम है वही आधार कार्ड पे रहना चाहिए, और सेम डिटेल से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सेम आपका नाम, सेम फादर नेम, सेम मदर नेम। ये ना हो कि सर्टिफिकेट में आपका कुछ और नाम है, आपका आगे पिताजी का श्री लगा दिया लेकिन सर्टिफिकेट में श्री नहीं है, मम्मी के आगे मिस लगा दिया लेकिन आगे मिस नहीं है, या एक स्पेस या एक अक्षर गायब कर दिया, तो इससे आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे साफ लिखा है
विल बी कैंसल एज वेन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द सेलेक्शन प्रोसेस। आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, एग्जाम होगा, जब लेकिन सेलेक्शन प्रोसेस होगा ना तो वहां से आपको बुढ़िया बिस्तर लेके भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप भी ये गलती मत कर दीजिएगा, तो अपना सब डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए और जो भी अपडेट आती रहती है हम बता देते हैं। लड़कों को इसलिए बताते रहते हैं कि लड़के सावधान रहें और जो गलतियां कर रहे हैं उसे सही करवा लें। जिनका रजिस्ट्रेशन बिगड़ चुका है, गलत हो चुका है, वो सही से दोबारा रजिस्ट्रेशन अपना करवा लो। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी का भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आता है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट या फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी, जाकर वहां से कर लेना। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं अगली बार फिर से अच्छी जानकारी लेके आएंगे आप लोग की, जितने भी आर्मी की नोटिस आती रहती है। और कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके हमें बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि हर एक लड़का जो आर्मी की भर्ती देखता है या लड़की, उसे हर टाइम सही जानकारी मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।